साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम योगी नारायण नाथ है, नाथ संप्रदाय का योगी हूँ और बनखंडी धाम पंजाब से हैं हम। कि जो भी मानवता की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य करता है, जो सत्ता में बैठे कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कोई ना कोई ऐसा जाल बुन करके, ब्लेम लगा करके, टारगेट बना करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आरोप ही सिद्ध नहीं हुए हैं तो बेवजह एक अच्छे मार्गदर्शक को, एक अच्छे संत को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक लड़की के कारण उन्हें दोषी मान करके चुप बैठे हैं, यह बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के षड्यंत्र आज से नहीं, सदियों से होते आए हैं हमारे महापुरुषों में। महापुरुषों की रक्षा नहीं करेंगे हम, उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन है इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाएगी। 100% सत्य की जीत होगी, झूठ कब तक हावी रह सकता है सत्य पर? एक ना एक दिन झूठ को हारना ही पड़ता है। जो भी मानवता की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य करता है, उसे किसी न किसी प्रकार से जो सत्ता में बैठे कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कोई ना कोई ऐसा जाल बुन करके, ब्लेम लगा करके, टारगेट बना करके उनको नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध हमारे संत समाज को उठना चाहिए और जो भी ये अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि दोबारा किसी अन्य साधु के साथ इस प्रकार का, या किसी अन्य संत के साथ इस प्रकार का कार्य ना हो। देखने को मिल रहा है संत आसाराम जी बापू का प्रकरण कहो, उनके बेटे नारायण साईं जी की बात करो, तो 10 सालों में हमने देखा बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है। आसाराम जी बापू कहो, नारायण साईं कहो, जमानत तो दूर महाराज जी, पैरोल तक नहीं दी जा रही है। आसाराम जी बापू की उम्र 87 साल की है, इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं दी जा रही। एक्चुअली सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जो जीन्स पैंट पहन करके भद्दे गानों पर डांस करने वाला या भद्दे गाने गाने वाला व्यक्ति राम रहीम है, उसे तो पैरोल भी मिल जाती है, लेकिन जो धर्म के लिए कार्य करने वाले महान संत हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से जो है टॉर्चर करने का एक प्रयास किया जा रहा है, उन्हें तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो धर्म के लिए खड़े होते हैं वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो अडिग रहते हैं। और लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा पुनः कि जो भी सनातन बंधु हैं उन्हें अपने इन महापुरुषों की रक्षा के लिए पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और बापूजी ने भी सभी को यही समझाया कि अपने माता पिता से जुड़ें, अपने पूर्वजों से जुड़ें, उनकी सेवा करें और दूसरों के बहकावे में आकर के अपने माता पिता का, अपने धर्म का त्याग ना करें, और यही कारण है कि उन्हें टारगेट बनाया गया। ये आरोप मौलवियों पे लगते हैं, पादरियों पे लगते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है। और संतों पे कुछ भी आरोप लगता है तो तुरंत उनको उठाकर जेल के अंदर डाला जाता है। कारण यही है कि जो हमारे लोग सत्ता में हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, लेकिन जो धर्म के खिलाफ सत्ता में बैठे हैं वो पूरी तरह से धर्म को बर्बाद करने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे जो सत्ता में कुछ शीर्ष पर बैठे हैं वो धर्म की रक्षा करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, लेकिन धर्म की हानि होगी, जो हमारे महापुरुषों का अपमान होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं इन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी इन्हें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी इन्हें इस बात को समझना ही पड़ेगा। आसाराम जी बापू कहो, नारायण साईं जी कहो, एक लड़की ने आरोप लगाया लेकिन आज उनके समर्थन में लाखों की संख्या में महिलाएं बच्चियाँ खड़ी है, तो उनकी आवाज़ नहीं सुननी आ रही। यही कारण है ना, अच्छे महापुरुष को इसी प्रकार से बदनाम करते हैं, क्योंकि इनका मोटिव है लोगों को गलत रास्ते में ले जा करके ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर लोगों का शोषण करना। तो जब ऐसे महापुरुष समाज को जागरूक करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो कार्य है वो ठप्प हो जाता है। इसी वजह से इस प्रकार के ब्लेम लगा करके, झूठे ब्लेम लगा करके
सच्चे संत को जो है प्रताड़ित करने का ये लोग काम करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आरोप ही सिद्ध नहीं हुए हैं तो बेवजह एक अच्छे मार्गदर्शक को, एक अच्छे संत को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कम से कम हमारे समाज को तो उस पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अगर हमारा समाज ही पक्ष में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। रिहाई होनी चाहिए नारायण साईं आसाराम, 100% रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि केस जो बनाया गया है वो साबित नहीं हुआ है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। बस यही है कि वो एक अच्छा काम कर रहे थे, जो गलत नीतियों वाले लोग थे उनके खिलाफ था वो कार्य, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके जबरदस्ती इस प्रकार से जो है उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या लगता है 10 साल हो गए, बेल नहीं मिल रही है, नहीं पैरोल मिल रही है, तो क्या है षड्यंत्र का चक्रव्यूह आसाराम जी बापू नारायण साईं जी तोड़ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, क्या होगा? बिल्कुल तोड़ पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती है। जब हमारा समाज जागृत हो जाएगा, जितने भी साधक हैं वो मिल करके जब इस में कार्य करेंगे तो 100% जो है उनकी रिहाई होगी। क्या कहना चाहोगे उनके भक्तों को, क्या मैसेज देना चाहोगे? हम उनके भक्तों को यही मैसेज देना चाहते हैं, जहां करोड़ों लोग एक साथ हक में बात कर रहे हैं, वो करोड़ों लोग झूठे नहीं हैं। आप एक व्यक्ति के कारण या एक लड़की के कारण उन्हें दोषी मान करके चुप बैठे हैं, यह बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के षड्यंत्र आज से नहीं, सदियों से होते आए हैं हमारे महापुरुषों में। गौतम बुद्ध जी पर भी इस प्रकार का लक्षण लगाया गया था, लेकिन ये जितने भी साधक हैं अगर वो कोशिश करें तो इस प्रकार का लक्षण लगाने वाले जो लोग हैं, जो मीडिया के माध्यम से सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का काम करते हैं, इन लोगों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया ने भी रात दिन इनके खिलाफ चलाया, आसाराम जी बापू को हो, नारायण साईं जी को हो, लेकिन उनके भक्तों की श्रद्धा को हिला नहीं पाए, नहीं डुला पाए। हाँ, जो सच्चे भक्त होते हैं या जो वास्तुतः जानते पहचानते हैं उनकी श्रद्धा अडिग होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं, उनकी श्रद्धा परिपक्व नहीं होती है, तो जब भी मुसीबत आती है तो ऐसे लोग भाग खड़े होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे समय में साथ थे तो बुरे वक्त में भी साथ खड़े हो करके और उनकी रिहाई के लिए काम करना चाहिए। 100% सत्य की जीत होगी, झूठ कब तक हावी रह सकता है सत्य पर, एक ना एक दिन झूठ को हारना ही पड़ता है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।